Assalamualaikum. My name is Amna Haroon and I am from BC8 Graphic. And my supervisor is ma'am Irshad Jahan. And आज हमारा thesis है और मेरा जो topic है वो chapter अंदरून लाहौर है और organized मैंने किया है by Walled City Lahore Authority से. इसके अंदर बेसिकली मैंने पोर्ट्रे किया है ज़्यादातर जिस तरह हमारा कुछ साल पहले लोग मॉडर्निज्म की तरफ चले गए थे और अपने हेरिटेज और आर्किटेक्चर और अपना जो कल्चर था उसको भूल गए थे, तो उसको मैंने पोर्ट्रे किया है. मैंने उन्हीं कुछ उनकी जो स्पेसिफिक जगहें हैं जो मेन हैं जिस तरह दिल्ली गेट हो गया, शाही हमाम, वज़ीर ख़ान मॉस्क, लाहौर फोर्ट, बादशाही मस्जिद, इन जगहों को मैंने बेसिकली हाईलाइट किया है. माई टॉपिक इज़ मेरी शनाख्त मेरा नाम, विच मीन्स के हमारी सोसाइटी के वो इशू जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जिसमें वो लोग जिनको डिसेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, लाइक ओवरवेटेड, ओवर हाइटेड लोग, वो जो थोड़ा बोलने में जिनको मसला है, उनकी डिसेबिलिटीज़ को हम उनकी उनको इनक्रेज नहीं करते, हम उनको डिग्रेड करते हैं, उनको एक सोसाइटी का इशू समझते हैं. लाइक अगर कोई एक औरत बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड है तो हम उसको ये नहीं मोटिवेट करेंगे कि वो अपने वेट को कम करने की तरफ आए, हम उसको डिस्करेज करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मोटी है, उसके अजीब अजीब नाम कॉल आउट करेंगे. और हमारी सोसाइटी ऐसे इशूज़ को उनके ओरिजिनल नेम को भूल के और जो उनको जो जिस चीज़ से वो होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है. Assalamu alaikum, my name is Rinza Batool and I am from BCA 8 Graphics. Today is my thesis and the topic of my thesis is Do Raston Ka Safar. My supervisor is ma'am Ishrat. एंड मैंने अपना काम जो है वो कैलीग्राफी और टेक्सटाइल प्रिंटिंग के साथ कंबाइन किया है. बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अच्छाई का रास्ता जो होता है वो मुश्किल होता है और बुराई का रास्ता हमेशा आसान होता है, बट एट द एंड दोनों का एंड ऑपोजिट होता है. साथ मैंने अपनी एज अ प्रोडक्ट मैंने फोटोग्राफी भी की है और उसे भी मैंने अपने थीसिस में डिस्प्ले किया है. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हूर, आई एम फ्रॉम BCA 8 ग्राफिक्स और मेरा टॉपिक है ज़िंदगी एक सफ़र. इसमें मैंने पोएम लिए निदा फासली की और इसको मैंने इलस्ट्रेट किया है. ये टॉपिक में मैंने ज़िंदगी के वर्ड को सिंबलाइज किया है बाय टेकिंग अ पाकिस्तानी ट्रेन. जैसे हमारी लाइफ में एक डेस्टिनेशन होती है, इसी तरह पाकिस्तानी ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं हमारी एक डेस्टिनेशन होती है जिसके बाद सिर्फ मेमोरीज़ रह जाती हैं, इसी तरह लाइफ में भी हमारी एक डेस्टिनेशन है उसके बाद सिर्फ मेमोरीज़ रह जाएंगी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा कवर है, मैं BCA 8 सेमेस्टर से हूँ. मेरे टॉपिक का नाम गार्डियन गाइड्स है, जो बेसिकली चाइल्ड बच्चों को फ्रॉम एज 4 to 6 गाइडलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में गाइडलाइन देना है, बट इन अ सॉफ्ट वर्ड. मैंने अपने लोगों में बटरफ्लाई यूज़ किया बिकॉज बटरफ्लाई की एक नेचर है कि वो पसंद नहीं करती इस चीज़ को कि उसको कोई टच करे, तो हमारे बच्चों को भी ऐसे ही होना चाहिए कि उनको अलाउ किसी को नहीं करना चाहिए कि वो कोई भी उन्हें टच कर सके. एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माय टीचर्स, माय होल डिपार्टमेंट, माय HOD, माय सुपरवाइजर एंड माय होल यूनिवर्सिटी, दैट आई एम एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ देम. आज का मैंने जो टॉपिक लिया वो है नेचुरल म्यूज़िक थेरेपी, तो उसमें मैंने ये सारा काम किया. इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स लिए हैं सारे ताकि हर चीज़ को मैं प्रेजेंट करूँ, नेचर को, परिंदों को, हर चीज़ को. ये मैंने जो लिया है इसलिए भी लिया है कि आजकल हम बिल्कुल भूल चुके हैं ना, तो हम ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर हमें क्यों सुकून फील होता है कि वहाँ पर पानी का शोर होता है, पानी नेचर सारा होता है. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनी तारिक एंड माय टॉपिक इज़ रियल वर्सेस रील.
सो बेसिकली रियल क्या है? रियल जो कि हम वर्ल्ड में रहते हैं, ओरिजिनलिटी है हमारी, जो कि हम जी रहे होते हैं उसमें कोई भी रियल वर्ल्ड की खासियत नहीं होती है। एंड व्हाट इज़ रियल? रियल वर्ल्ड होता है जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, और उसका कोई ताल्लुक नहीं होता हमारे असल रियल वर्ल्ड के साथ। मेरा कैंपेन है वो बेसिकली पोस्टर्स पे बेस्ड है। पोस्टर्स में मैंने यही सब कुछ दिखाया है कि लड़की जो हैं, जो लड़कियां हैं, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा असर हमारी यंग लड़कियों के ऊपर हो रहा है, टीनेजर लड़कियां, सेइंग का भी बेसिकली यही मतलब है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि वो चीज़ सामने से अच्छी लग रही है तो डैट डजेंट मीन कि वो पीछे से भी अच्छी होगी। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इसी तरह मैंने अपने गिवअवेज में भी यही दिखाया कि हमारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर गुड द वे वी आर। Assalamu alaikum. My name is Momna Nadeem and I'm from BCA 8th semester and my topic is body shaming. My main focus is on stop body shaming. आजकल के लाइक जनरेशन में बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग हो रही है। फिर मैंने बताई है बुरे हो जाते हैं तब भी बॉडी शेमिंग होती है, उसमें भी कि ये बुरा ऐसे है, ये बहुत मोटे बुरे हैं इस तरह। एंड थैंक यू सो मच माय डिपार्टमेंट, माय टीचर्स, माय सुपरवाइजर मैम इशरत, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस दैट मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर एंड आई एम फ्रॉम BCA 8 ग्राफिक्स। बेसिकली मैंने ऑटिज़म कैंपेन के ऊपर काम किया क्योंकि मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ। अगर टॉपिक सिलेक्शन की बात हो तो बेसिकली मेरे भाई को ऑटिज़म है और मैंने उनके ऊपर ही ये थीसिस की है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ। जिस तरह का स्ट्रगल हमने एज अ फैमिली फेस किया है, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हाईलाइट हो। तो मैंने जो अपना काम किया है, बेसिकली मेरा पोस्टर्स के ऊपर काम है, सीरीज़ ऑफ पोस्टर्स हैं और उसको मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको मतलब डिज़ाइन किया। माय नेम इज़ समिया राशिद, आई एम फ्रॉम BCA 8th सेमेस्टर। मेरा टॉपिक है बिलीव इन योरसेल्फ, कि आप लोग जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको ख़ुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को जिस तरह है हम उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने आप को एक्सेप्ट करें जिस तरह हम लोग हैं। आई वुड लाइक टू थैंक्स माई ऑल डिपार्टमेंट मेम्बर्स, टीचर्स, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नमरा खान है, ग्राफिक्स 8th सेमेस्टर, ये मेरा डिस्प्ले का काम है। बेसिकली मेरा टॉपिक जो था वो पाकिस्तान का आर्किटेक्चर था, वो आर्किटेक्चर जो फेड होता जा रहा है, जिनके बारे में हम जैसे यूथ को नहीं पता। मैंने उन्हीं फेड प्लेसेस को दोबारा हाईलाइट किया विद माई प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली मेरे पास मग्स हैं और बैग्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों का जो फेडेड आर्किटेक्चर है वो दोबारा हाईलाइट होगा। ये सारे जितने प्लेसेस मैंने सेलेक्ट किए पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान को मिले थे, लेकिन नोबडी नोज़ अबाउट दैट।